हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग 40-45 मिनट के अंदर इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो डे बाय डे जो है वो इंप्रूव होती रहे। और इस सेशन के अंदर गाइस हम लोग इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, जनसत्ता, TOI, PIB, PRS, सब कुछ है जो कि मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। हर चीज़ का जो है हम लोग पूरा का पूरा पास देखते हैं, प्रेजेंट देखते हैं, सब कुछ है जो कि हम लोग कवर करते हैं। और ये जो सेशन है वो सिर्फ आपके वन डे वाले एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप कोई PCS एग्जाम दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, जहाँ पे आपको लिखने का काम है, वहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत काम देगा, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज 23rd of April है, और ये सारे एग्जाम के लिए ये सेशन जो है वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। 70-80% क्वेश्चन आपको सभी में देखने को मिलेंगे, ओके, और काफी अच्छे तरीके से आप जो है एग्जाम देके आओगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद में आज का न्यूज पेपर देखेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कल के क्या क्या है। कल मैंने आपसे पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली कितने एग्जीक्यूशन है जो कि 2019 के अंदर हुए हैं, यानी कि कितने लोगों को मौत की सजा है जो कि दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 657 आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों के लिए चुना गया था, ओके, तो कितनी रिसेंटली इलेक्टेड टू द 3 बॉडीज ऑफ द UN, कितने साल के लिए चुना गया है, 3 साल के लिए चुना गया है, टाइम पीरियड था इसके अंदर, टेन्योर पूछा था, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडिया ने प्लान किया है कितने ऑक्सीजन प्लांट है जो कि वो एस्टैब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स फंड के साथ में 162 दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट है जो कि सेटअप करने के लिए बोला गया है। हालांकि इस काम को पहले ही कर लेना चाहिए था, ताकि हजारों लोगों की मृत्यु नहीं हो। हर साल दोस्तों नेशनल सिविल सर्विस डे हम लोग 21 तारीख को मनाते हैं। कौन से देश के साथ में रिसेंटली हमने एक ग्रैंड प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है दोस्तों जो कि करी है। तो ये जो पार्टनरशिप करी जा रही है ये किसके साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि इंडिया ने करी है। साथ में दोस्तों अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, 30+ एग्जाम में से, चाहे वो आपके स्कूल के हो, कॉलेज के हो, या फिर आपको उसके बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, IIT, NEET, UGC, कोई सा भी एग्जाम, तो आप अनअकैडमी प्लस डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे प्लस का ऑप्शन होगा, वहां पे जाइएगा, आपको एक रेफरल कोड पूछेगा, तो BHU10 या BHU10 लगा दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ में वहां पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको सारे क्लासेस देते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि SSC, बैंक, UPSC, डिफेंस, PCS, इनके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। और SSC के अंदर मैंने भी दोस्तों SSC कैटेगरी में अभी इकोनॉमिक्स का प्लस कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच में मैं कंप्लीट GK है जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 मंथ का आपको फ्री मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद अमन को लेकर। तो मोहम्मद अमन की बात करें तो उन्होंने कोट ऑफ द डे भेजा है कि वो है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई स्विमर जो है वो नहीं बनता। बिल्कुल बात है जो कि सही बोली है कि अगर आपको कुछ बनना है तो एक्शन भी लेना पड़ेगा। अक्सर मैं लोगों को ये सुनते हुए बोलते हुए सुनता हूँ कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन जब उनकी पूरे दिन की लाइफस्टाइल जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो ये सोच रहा है वो कैसे बनेगा अगर ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये बात लोगों को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती है। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलना पड़ेगा उसको दिन भर। अगर आपको कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको बैंकिंग की जॉब देखनी पड़ेगी, पूरे दिन भर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पूरे दिन भर पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज जो भी आपको लाइफ में बनना है, ये देखिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं क्या वो आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब उनके पूरे दिन के अंदर मेहनत करने की बारी आती है तो वो उस लेवल के ऊपर उनकी मेहनत नहीं होती है। तो गाइज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इतनी मेहनत करोगे और इतना आपको अचीव हो जाएगा, ठीक है। सब चीज़ें प्रोपोर्शनल होती है, तो बढ़िया से मेहनत करो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आज का एक जोक देख लेते हैं, जोक ऑफ द डे, जो कि आशु के द्वारा भेजा गया है। व्हाट्स योर कास्ट, एक यहाँ पे दोस्तों को पैसेंजर में ट्रेन में उन्होंने पूछा, उन्होंने रिप्लाई किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हंस के बोला कि मैं जो है व्हाट्स योर फादर कास्ट, तो उन्होंने फादर की कास्ट बताई इलेक्ट्रिकल।
अब उसका दिमाग खराब हो गया कि इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ये कौन सी कास्ट होती है। तो उन्होंने बताया कि भगवत गीता के चैप्टर 4 श्लोक 13 के हिसाब से जो कास्ट है वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड है, ओके, ये बर्थ के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है भाई साहब ने अपनी कास्ट है जो कि यहाँ पे बताई है। पहले के ज़माने में कुछ ऐसा ही हुआ करता था, मैंने आपको शायद, अगर आपने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवीजन किया गया था, लेकिन बाद में सोसाइटी के अंदर लोगों के बर्थ के नाम पे कर दिया गया, जिससे ही दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम है जो कि आज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो कि है द हिंदू को लेकर। इसको जोक तो खैर जो भी था ही है, लेकिन इसको बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये पता रहे कि जब स्टार्टिंग किया था आर्यंस लोग ने, जब डिफाइन किया था ये सब, तो सिर्फ ऑक्यूपेशन के नाम पे डिफाइन किया था, वो बर्थ के नाम पे डिफाइन नहीं किया था। तो आज जो है इन चीज़ों को इतना वेटेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मालूम है ऑक्सीजन की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जो कि आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। इतने बुरे हालात ऑक्सीजन को लेकर कभी नहीं हुए, पूरा एक साल हमारे पास में था हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने को लेकर, हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने को लेकर। एटलीस्ट कोरोना के नाम पर ही हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बन जाता, ओके, तो लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हम इलेक्शन रैलीज मुद्दे इन सब के बीच में बिजी रहे और आज उसका कारण देखने को मिल रहा है। कल 3.32 लाख केसेस देखने को मिले, 2200 लोगों की डेथ हो गई और ये गवर्नमेंट का डेटा है 2200। तो रियलिटी की बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा डेथ है जो कि एक दिन के अंदर हो रही है। और अभी बहुत ही सीरियस मैटर हो गया है गाइस, तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कहीं पर जा रहे हो तो सोच समझ के जाओ, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मत जाओ। कुछ लोगों से मिल रहे हो तो मिलो, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलो। अपना अपना परिवार का ध्यान रखो, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी सिटी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कोई जगह नहीं है, और थोड़ा भी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हुआ तो यकीन मानिए कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। दिल्ली के अंदर लोग खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लेके घूम रहे हैं, किसी ने गाड़ी में फिट कर रखा है, किसी ने हॉस्पिटल में फिट कर रखा है, इस तरीके से जो है वो आज के टाइम पे चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और बोला है कि हमें एक नेशनल प्लान चाहिए सेंटर गवर्नमेंट से ऑक्सीजन के ऊपर और ड्रग के ऊपर, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ने जो है जो अपना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो यूज करके ऑक्सीजन के मूवमेंट के लिए स्टार्ट किया था कि पुलिस और सब लोग जो है वो ऑक्सीजन के मूवमेंट के लिए हेल्प कर सके। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर तो इतना बुरा हालात है कि मतलब इंडस्ट्रीज जो है ना उनसे ऑक्सीजन लिया जा रहा है। टाटा ने हेल्प अवेलेबल करवाई है, जिंदल ने हेल्प अवेलेबल करवाई है, ओके, तो इतना टाइम था हमारे पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे सारे प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती थी, कैपिटल के अंदर बहुत कुछ कर सकती है। देखिए कैपिटल पूरी तरीके से चौक हो चुका है, ये देखिए किस तरीके से सिलेंडर जो है वो लोग लेके जा रहे हैं, ओके गाइस। यहाँ पे दोस्तों 28 अप्रैल के बाद से जो है वो अडल्ट जितने भी 18+ लोग हैं वो कोविन जो पोर्टल है उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आसाम एयरपोर्ट में 300 लोग उतरे, उनको बोला कि जाके चेकिंग करवा लो पास के होटल के अंदर, मेडिकल टेस्ट करवा लो, भाग गए, किसी ने चेक ही नहीं कराया, पता नहीं ऐसा क्या फेयर है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर भी दोस्तों स्पेशल कॉरिडोर बनाने के लिए बोला है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बात करें तो कल 3.25 लाख से भी ज्यादा केसेस है जो कि देखने को मिले और बहुत ज्यादा मैस है जो कि क्रिएट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंटर को बोला है कि एक नेशनल प्लान बताइए हमें जल्दी कि कैसे आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑक्सीजन का, और कैसे जो है वो असेंशियल ड्रग जो पेशेंट को चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि करने वाले हैं। समझ गए, मेजरली जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है बहुत जगह के ऊपर। मतलब जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑक्सीजन अवेलेबल थी, आज समझने की कोशिश करिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन की, कि आज हमें जब उसको सिलेंडर में चाहिए, जब इमिजिएटली चाहिए, जब इंसान ओपन एयर से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तब हम लोग आर्टिफिशियल भी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है बोबडे जी, उन्होंने दोस्तों सुयोमोटो कॉग्निसेंस, मैंने पहले भी बताया सुयोमोटो क्या होता है, जब कोई केस नहीं करता लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद के, जब खुद कोई फैसला लेता है तो उसको सुयोमोटो कॉग्निसेंस है जो कि कहते हैं। तो इसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस वाले मुद्दे के ऊपर है जो कि ये लिया है, समझ गए मेरी बात, और पूरी यहाँ पे चीजें दे रखी है। और ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि कोविन पोर्टल को लेकर है। 28 अप्रैल से कोई भी जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, 28 अप्रैल से कोविन नाम का पोर्टल है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। हालांकि दोस्तों कि अगर मैं बात करूं क्या सबको वैक्सीन मिल जाएगी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि इतनी जल्दी सबको मिल जाएगी, लेकिन यस डेफिनेटली आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 18 से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं वो जो है यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। और
80 से 90 करोड़ ऐसा युवा है देश में जो कि 18 से 45 साल का है। अडल्ट पॉपुलेशन 80 से 90 करोड़ है जो कि 18 से 45 साल के हैं, समझ गए। तो 130 करोड़ में से आप देख सकते हैं देश में युवा कितने हैं। तो इन युवा को जॉब्स और बहुत चीजों की जरूरत है, मतलब यार ये देने की जरूरत है सरकार को। चलिए, वरना अदरवाइज जो हमारा ये यूथ वाला जो आज जो हमारा डेमोग्राफी है ना, ये वेस्ट हो जाएगा आने वाले 20-30 साल में। हम हमारे यूथ को देश के डेवलपमेंट में काम ही नहीं ले पाएंगे। तो ये देखिए, ये कोविन पोर्टल है गाइस, है ना, जहाँ पे हर जगह पे मोदी जी की फोटो तो आपको मिलेगी मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको बड़ा शौक है हर जगह फोटो लगाने का, है ना। तो ये कोविन पोर्टल है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल भी दे रखा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे इस वाले मुद्दे को लेकर। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले इंडोनेशिया का जो बाली है, बाली के जस्ट नॉर्थ में थोड़ी दूर एक सबमरीन थी इंडोनेशिया की, वो डूब गई थी। उसमें कई सारे लोग भी थे दोस्तों, वो भी डूब गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां पे देख सकते हैं रिसेंटली क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वैसल के ऊपर 53 लोग भी थे, जो ये सबमरीन थी ना उसके ऊपर 53 लोग भी थे, वो भी साथ में जो है वो डूब गए। अभी तक पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली में हुआ क्या। एक्चुअली के अंदर हुआ क्या था कि एक KRI नंगाला नाम की दोस्तों एक सबमरीन है, ओके, ये एक एक्सरसाइज है, टॉर्पीडो नाम की एक्सरसाइज है, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था और उसी टाइम पे ये मिस हो गई वहां से। अब ये कहां गई, कैसे, कहां पे मिस हो गई, कैसे डूब गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां पे इनकी मदद करने के लिए बहुत सारे देशों ने जो है आगे हाथ बढ़ाया है, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अंदर हमारा देश इंडिया भी है। हमने भी विशाखापट्टनम से एक वैसल है जो कि भेजी है, जो कि रेस्क्यू वैसल है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV है, एक वैसल है जो कि हमने विशाखापट्टनम से इंडोनेशियन नेवी के सर्च और रेस्क्यू एफर्ट को बढ़ाने के लिए हमने भेजा है। एक्चुअली के अंदर हमारे जो ये वैसल है इसकी कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, 1000 मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर नीचे तक हम लोग उसको इजिली सोनार जो अपने सोनिक वेव्स है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, इसलिए इंडोनेशिया के जो जनरल है उनसे बात करके हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है उनको सपोर्ट है जो कि ये दिया है। ठीक है गाइज, तो 21 अप्रैल को 2-3 दिन पहले ही जो ये अलर्ट है जो कि जारी किया, और अलर्ट जारी करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ESMERLO इमर्सलो, इसको भी जो है पूरी जानकारी है जो कि दे दी गई थी। ठीक है गाइज, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सबमरीन एस्केप एंड रेस्क्यू लाइसेंस ऑफिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल क्या करती है, सबमरीन को सर्च करने का काम करती है, अगर सबमरीन को रेस्क्यू करने का काम करती है, अगर कल को मान लो किसी ने अटैक कर दिया सबमरीन से, उस वाली कंडीशन में भी ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2003 के अंदर हुई थी नाटो के द्वारा, और एक और ग्रुप है सबमरीन स्केप एंड रेस्क्यू वर्किंग ग्रुप उसके द्वारा, और इसका जो ऑफिस है वो स्टैब्लिश किया गया, रशियन सबमरीन थी एक K-141 उसके डिजास्टर के बाद में। ठीक है गाइज, और ये पूरी की तरफ से हेल्प है जो कि स्केप में रेस्क्यू एफर्ट के अंदर अवेलेबल करवाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर सबमरीन के बनाना, कंसल्ट करना, उसके ऊपर काम करना, सारे देश आपस में मिलकर एक जॉइंटली किसी चीज को लेकर रेस्क्यू करें, ये सारे काम है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। तो इसको इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, सबमरीनो को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये देख सकते हो, ये है आपका इंडोनेशिया पूरा, यहाँ पे सुमित्रा आइलैंड है, ये जावा, ये जकार्ता, और ये रहा बाली, बाली के जस्ट नॉर्थ में, ये जो नूसा है ना, नूसा आइलैंड को बोलते हैं यहाँ पे, नूसा बाली के जस्ट ऊपर की तरफ ही 40-50 नॉटिकल माइल्स वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर ये मलेशिया वाला एरिया है, ये वाला और इधर वाला, ये मलेशिया है, इसी के बीच में जो एक और छोटा सा कंट्री है जिसको ब्रुनेई कहते हैं, और मलेशिया के जस्ट नीचे ये जो पॉइंट है ना लास्ट में, इसको बोलते हैं सिंगापुर। ठीक है, ये सिंगापुर है यहाँ पे। ओके चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पे 2-3 छोटी मोटी 2-3 न्यूज है दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही छोटा छोटा दे रखा है इनके बारे में। यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज देखो, ये भी है कि जो CPIM के पार्टी के जो लीडर है
सीताराम याचुरी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही जेएनयू पास आउट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी है सीताराम याचुरी। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था आशीष, कोविड-19 की वजह से उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। 35 साल की उनकी एज थी और 10 दिन पहले से ही जो है हॉस्पिटल में एडमिट था बिकॉज ऑफ द कोविड। तो लंग्स जो है वहां तक इन्फेक्शन है जो कि पहुंच गया था, उसके बाद में कल इनकी मृत्यु हो गई और इसका जो कारण है वो कोविड-19 है। ठीक है, तो देखिए काफी सीरियस कंसर्न है आज के टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने दोस्तों नदीम श्रवण का नाम सुना होगा, 90s के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे गाने हैं सलमान खान के, आमिर खान के, शाहरुख खान के मूवीज के सुने होंगे। तो उसके अंदर एक म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे नदीम श्रवण नाम से, बहुत ही फेमस हुआ करते थे, है ना। उसके बाद में ठीक है साजिद वादिद आ गए, उसके बाद में और भी बहुत सारे आ गए। तो नदीम श्रवण बहुत ही फेमस दोनों कंपोजर हुआ करते थे। उसमें जो श्रवण थे ना, श्रवण राठौड़, उनकी दोस्तों कल है जो कि मृत्यु हो गई है। ठीक है गाइज, तो ये भी ध्यान रखिएगा अगर आपसे श्रवण राठौड़ के बारे में पूछे तो, म्यूजिक कंपोजर थे। साथ में ICMR ने नोट दे दिया है ड्रोन से वैक्सीन को डिलीवरी करने को लेकर और अपने ट्रायल है जो कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने परमिशन दे दी है किसको, ICMR को। बलराम जी इसके हेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको ड्रोन से दोस्तों सप्लाई करने के लिए बोल दिया है। ठीक है गाइज, ठीक है, यहाँ पे प्रदीप कुमार करके अपना स्टूडेंट है जो कि बोल रहे हैं कि मुझे फ्रंटलाइन वर्कर है ये और इमरजेंसी में लगे हुए हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं प्रदीप, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आप इतनी हेल्प कर रहे हो दूसरों की, दूसरों को रिकवर करने में। आज के टाइम पे डॉक्टर, पहले बोलते थे ना कि डॉक्टर भगवान होते हैं, डॉक्टर के साथ में जो जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग होते हैं वो भगवान ही होते हैं, डॉक्टर क्या सारे लोग ही होते हैं। तो ये प्रूव हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर, राइट नाउ जैसे कि आप हेल्प कर रहे हैं, प्रदीप अपने जो है ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है मतलब। एंड कंटिन्यू रखिए और अपना खुद का भी सेफ्टी का ध्यान रखिए, है ना। वी प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू प्रदीप। ओके ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 13। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चाइना और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। इसके अलावा कल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट समिट को लेकर वर्चुअल हुआ है, तो इसमें मोदी जी ने क्या बोला है, ठीक है बाइडेन ने क्या बोला है, इनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और चाइना, अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री जो कि आइलैंड के ऊपर है, आपको मालूम है पूरा ही दुनिया से अलग है, दुनिया है जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की चलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, चाइना से बहुत सारा सामान है जो कि इम्पोर्ट होता है, बहुत सारा सामान इम्पोर्ट होता है। हालांकि मिनरल और ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना और बहुत सारे देशों को, और बहुत ज़्यादा डिफिशियंट नहीं है वैसे तो क्या, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना से आती है, मतलब काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इवन दो करेज देखिए ऑस्ट्रेलिया का, कि ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के अपोज में एनी टाइम खड़ा हो जाता है। तो अभी भी चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो था, आपको मालूम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना ने का सबसे बड़ा मिशन है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है रोड्स से चाइना को कनेक्ट कर दिया जाए, शिप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, ओके, ताकि हर जगह पे ये अपना सामान को एक्सपोर्ट कर सके और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। तो पुराना वाला जो किसी जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था उसी को रिवाइव करने की ये कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री तो बेचारे उनके तो कुछ हाथ में है ही नहीं, तो वो तो बेचारे एग्री कर ही गए, कुछ यूरोपियन कंट्री भी इसके अंदर एग्री कर गए हैं। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों कैंसिल कर दिया है चाइना के साथ में इस पैक्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड के ऊपर। ओके, बीजिंग ने भी बोला है कि कैनबेरा को एक जो कोल्ड वॉर है ना मेंटेलिटी वाली वो नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पे बोल दिया है कि जिस तरीके से चाइना की स्ट्रेटजीज है, वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है, और उससे हमें भी जो है आने वाले टाइम पे नुकसान होगा, तो इसलिए हम इसको आज ही जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो दो ऐसे अकॉर्ड है दोनों के बीच में जो कि हुए हुए थे, दो अकॉर्ड थे, एक तो विक्टोरिया स्टेट और चाइना के बीच में, और चाइना के बीच में, तो दोनों को दोस्तों यहाँ पे कैंसिल है जो कि कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक एरिया है जो कि चाहिए, हम डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं और हमें ओपन लिबरल एक जो है ओपन एरिया चाहिए इंडो पैसिफिक का, लेकिन चाइना के स्ट्रेटेजीज ओपन करने को लेकर चीजें नहीं होती है। ठीक है गाइस, चलिए ये यहाँ पे न्यूज दी गई है, आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप, जो ट्रेड की बात करूं तो 2010 में कितना कम ट्रेड था, और लास्ट में देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड मतलब $58 बिलियन से भी ज्यादा का मतलब पहुंच चुका था, आप ये देख सकते हैं।
या अगर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के 10 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के बारे में बात करूं तो सेकंड नंबर पे जापान है, और सेकंड के अंदर और फर्स्ट के अंदर अंतर देखिए, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। ओके चलिए आगे बात करते हैं। यूएस विल कट एमिशन बाय 52% बाय 2030। तो आपको मालूम है यूएस प्रेसिडेंट जो जॉय बाइडेन है, उन्होंने अनाउंस किया और बोला कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो 50-52% कम करेंगे 2030 तक। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है किसके हिसाब से। 2005 का लेवल है जो कि इसके अंदर लिया गया है। भाई एक आपको वो तो कुछ ना रखना पड़ेगा ना, कितना कम करोगे, किसके हिसाब से कम करोगे। 2005 के अकॉर्डिंगली हम हमारा 50-52% 2030 तक रिडक्शन है जो कि कर देंगे। ठीक है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी थी क्लाइमेट एक्शन को लेकर पूरी तरीके से अलग थी। ट्रंप ने तो क्लाइमेट से अपने आप को अलग ही कर लिया था। ओके तो बाइडेन ने यहाँ पे बोला है कि जो फाइनेंसिंग है, जो पैसा हम दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, वो भी हम 2024 तक क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जो हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं इसके अंदर, उसको भी हम लोग डबल है जो कि कर देंगे, और 2024 तक, ये बोला है यहाँ पे। तो लीडर समिट है जो कि क्लाइमेट के ऊपर हुआ, यूएस के द्वारा होस्ट किया गया। 40 दुनिया के लीडर थे जिसके अंदर मोदी जी भी थे, जिनपिंग भी थे, व्लादिमीर पुतिन, और भी दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स थे। और इमिशन टारगेट जो है ये जो दिए जा रहे हैं ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत है दोस्तों, और इसी के तहत यहाँ पे देखिए चाइना ने भी बोला है ना कि हम लोग जो है 2030 तक जो है हमारा पीक है जो कि अचीव कर लेंगे, उसके आगे हम लोग ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, और न्यूट्रल 2060 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल है जो कि खुद को कर लेंगे। 2060 देखने के लिए पता नहीं, मुझे लगता कि जिनपिंग जो है वो रहेंगे, मतलब अभी तो 40 साल बाकी है 2060 तक। ओके चलिए, उसके अलावा जब इतनी बातें हो रही है तो फिर हमारे मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई हमने भी बहुत बोल्ड स्टेप है जो कि लिए है, और क्लाइमेट के ऊपर हम भी बहुत काम कर रहे हैं और हम भी बहुत मदद करेंगे, और इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर जो है एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप है दो जो कि लॉन्च करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। समझ गए कि हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे ये वो, और 2030 का एजेंडा है जो कि इंडिया यूएस क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी को लेकर यहाँ पे बोला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको मालूम ही है 2 डिग्री सेल्सियस वाली बात, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और आपको मालूम है हमने बोला है कि भाई हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको लिमिट करेंगे। ओके गाइस, हमने 2030 का रखा है हमने भी टारगेट कि हम लोग हमारे 33% से 35% जो है वो इमिशन को कम करेंगे। जैसे कि अमेरिका ने बोला ना कि वो 52% कम करेगा, वैसे हमने 33 से 35% के लिए बोला है। 2005 का ही लेवल है जो कि हमने भी लिया है, समझ गए मेरी बात। और ये बोला है कि हम लोग 40% जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं जो कि है, अब इतनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जब बातें हो रही है तो फिर मोदी जी हमारे थोड़ा ना पीछे रहेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है कोई। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम का नाम आपने सुना होगा। नेस्कॉम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर देश की सारी सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी जो है इसकी मेंबर है, 2 लाख से भी ज्यादा कंपनी इसकी मेंबर है। तो उसके जो अभी चेयरमैन अपॉइंट करी गई है वो एसेंचर की अपॉइंट करी गई है, जिनका नाम है मैनन, रेखा मैनन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। इतनी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, बाकी नेस्कॉम के बारे में बता दिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की फुल फॉर्म है, सारी बीपीओ वीपीओ सब इसी के मेंबर्स हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 15। यहाँ पे हम बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर है, राजस्थान रॉयल को कल वापस से बुरी तरीके से धोया बेंगलोर ने। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले न्यूज को लेकर। चलिए तो सब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि अपने इंडियन वुमेन बॉक्सर्स को लेकर है। देखिए गाइस, अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है। क्या हो रहा है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसके 10 कैटेगरी है, 10 में से 7 कैटेगरी के अंदर जो फाइनल में है ना वो इंडियन बॉक्सर्स है। बहुत जबरदस्त बात है ना कि 10 जो टोटल कैटेगरीज है उसमें से 7 के फाइनल के अंदर जो है वो अपने इंडियन बॉक्सर्स है। फाइनल के अंदर जो इन 7 गोल्ड मेडल के लिए फाइट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं, उसके अंदर 7 के अंदर आप देखिए सारे के सारे गोल्ड मेडल आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे। ओके, तो 10 में से 7 के अंदर जो गोल्ड मेडल है
वो किसने हासिल करे? इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने जो है वो यहाँ पे हासिल करे हैं। गीतिका, बेबी रोसिना, पूनम, रिंका, अरुंधति, सनमचा, अल्फिया, ये सारे के सारे दोस्तों प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10 में से 7 सबमिट क्लैश के अंदर गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे हासिल करे। और वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे करवाई जा रही है, ये हो रही है पोलैंड के अंदर। तो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस है मतलब जो कि यूथ बॉक्सर्स ने यहाँ पे दी है। ठीक है गाइज, चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग वेट कैटेगरी है, 48, 51, 57 इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल्स ने और हाउस के पैनल ने पार्लियामेंट के लास्ट ईयर के अप्रैल और नवंबर में ही बोल दिया था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, शॉर्टेज होने वाली है। लास्ट ईयर के अंदर अप्रैल में और नवंबर में पहले ही बोल दिया गया था ये बात, उसके बाद में भी ऑक्सीजन का कोई जुगाड़ नहीं किया गया पहले से। चलिए ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वनिता गुप्ता की एक न्यूज। इंडियन अमेरिकन है दोस्तों, जिनको सीनेट के अंदर जो है, ठीक है, सीनेट के द्वारा परमिशन है जो कि दे दी गई है। ये वहां पे जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि वहां पे अपना रोल है जो कि प्ले करने वाले हैं। एक्चुअली के अंदर ये वहां पे बनी है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, एसोसिएट, जैसे कि हमारे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी है, उनके अंडर में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उनका नाम तुषार मेहता जी है, उनके अंडर में बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक लंबी चौड़ी टीम होती है। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर भी अटॉर्नी जनरल होता है, उसके बाद में उसके नीचे एक और असिस्टेंट होता है, उसके नीचे एसोसिएट होता है। तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की जो पोजीशन है वो इंडियन अमेरिकन सिविल राइट लॉयर है वनिता गुप्ता, उनको यहाँ पे दोस्तों दी गई है। हाईएस्ट पोजीशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने ऑक्यूपाई करी है, थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है जो कि ये मानी जाती है, समझ गए मेरी बात। और इसको परमिशन जो है वो सीनेट के द्वारा है जो कि मिली है। ओके, तो कमला हैरिस है ना, उन्होंने जो है सीनेट के अंदर इसको अप्रूवल के लिए भेजा था। चलिए आगे बात करते हैं ओला को लेकर। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ओला जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो काम करने वाला है। ओला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में उतर चुका है, आपको मालूम होगा बेंगलुरु के अंदर इन्होंने अपनी एशिया की सबसे बड़ी जो टू व्हीलर है ना प्लांट है जो कि वो लगा रहे हैं, यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। सबसे डेंसेस्ट टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क है जो कि ये लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे डेंस टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क। आप इस इमेजिन करिए, एक ओला का स्कूटर है ये, देखिए यहाँ पे 75 किलोमीटर की इसकी 75 किलोमीटर ये चल सकता है अगर आप इसको 50% चार्ज कर दो तो। और 50% अगर आप चार्ज करोगे तो कितना टाइम लगेगा? मात्र 18 मिनट। मतलब आप 18 मिनट चार्ज करो, 50% चार्ज हो जाएगा स्कूटर और आप उसको 75 किलोमीटर तक चला सकते हो। काफ़ी सही बात है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने 75 किलोमीटर चलाया तो उसके बाद में आपके पास चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि 400 सिटीज के अंदर जो है ना चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं और 1,00,000 चार्जिंग पॉइंट है जो कि 400 सिटीज में लगाएंगे। जैसे ही ये काम हो जाएगा वैसे ही आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी जो बिकने की स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाई नहीं पा रही है, इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर ओला ने ये जो लिखा हुआ है अगर सच में कर दिया ना तो इट विल बी अ बिग रेवोल्यूशन। जैसे कि मोबाइल फोन में जियो लेके आया वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ओला लेके आ सकता है। ठीक है गाइज, तो ओला के प्लान बताए गए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चार्जिंग नेटवर्क है जो कि ये बना रहा है। ओके, मैसिव फैक्ट्री जो है इन्होंने बेंगलुरु के अंदर है जो कि इन लोगों ने लगाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, होपफुली ऐसा हो जाए तो ये जो पेट्रोल का जो समस्या है उससे भी पीछे छूटे। चलिए आगे बात करते हैं नई जनसत्ता को लेकर। और आपको मस्त बात बताता हूँ कि इसका क्रेडिट भी जो है वो मोदी जी ले जाएंगे, स्कूटर के पीछे मोदी जी अपनी छोटी सी फोटो लगा देंगे, बोला ये मैंने किया है। ठीक है, जनसत्ता की बात करें, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहा हूँ जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें तो कुछ भी ऐसा इसमें फ्रंट पेज के ऊपर नहीं है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सारी बातें तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के हालात जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे, मतलब आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा। हरियाणा के अंदर भी 6 बजे बाद सारी दुकानें जो है वो बंद होना स्टार्ट हो गई है। सब जानते हैं कि देश के वो भगवान चला रहे हैं, हाई कोर्ट का कहना है कि सब कुछ सही बात है। वैसे तो खैर एक बहुत पहले मूवी आई थी उसके अंदर बोला गया था कि अगर किसी को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है तो इंडिया के अंदर आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ये देश जैसे चलता है ना वैसे इसको भगवान ही चला रहे हैं। ठीक है, ये एक मूवी थी, एक उसके अंदर डायलॉग था। चलिए एक्चुअली के अंदर उसके अंदर डायलॉग ये था
कि एक इंडियन होता है तो वो एक साइंटिस्ट होता है, तो साइंटिस्ट बोलता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो एक इंडियन बोलता है, वो बोलता है मेरे साथ आ तू इंडिया, मैं बता, फिर अपन रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। तो वो जो साइंटिस्ट होता है वो कई महीने इंडिया के अंदर घूमता है, उसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि जिस हिसाब से कंट्री चल रहा है इसको भगवान ही चला रहा है, यानी कि कोई तो है ऊपर। ठीक है, चलिए ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हमने सिंगल म्यूटेंट के बारे में सुना, फिर हमने डबल म्यूटेंट के बारे में सुना, अभी दोस्तों कोरोना का जो है वो तीसरा म्यूटेंट है जो कि आ चुका है, दो म्यूटेंट को मिलकर तीसरा है जो कि बना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग कोविड-19 की क्राइसिस के ऊपर बहुत ही खतरनाक बैटल कर रहे हैं आज के टाइम पे, और एक और नया म्यूटेंट आ चुका है जिसका नाम है बंगाल वेरिएंट, और ये तीसरा वेरिएंट है। ओके, तो आपको ये बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र में, दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन एरिया के अंदर आपको ये म्यूटेंट है जो कि देखने को मिलेगा। ओके गाइज, डबल म्यूटेंट से जो है ये बना है। इससे पहले जो डबल म्यूटेंट थे वो कहाँ के थे, यूके और साउथ अफ्रीका के थे। पहला वाला जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर भी पाया गया था। ओके, इससे जो आपकी एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनती है उनको भी ये स्किप है जो कि कर सकता है। तो यहाँ पे आईसीएमआर ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो कोवैक्सीन हमारी जो है ना वैक्सीन है वो इन तीनों म्यूटेंट के ऊपर काम करती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा भी ये बताया गया है और इनके द्वारा भी ये बताया गया, तो अच्छी बात है कि यार वैक्सीन तो काम करती है लेकिन तीसरा म्यूटेंट थोड़ा और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आगे बात करते हैं, यूएस हाउस पासेस नो बैन एक्ट, यानी कि आपको मालूम है जब ट्रंप भाई साहब आए थे तो उन्होंने दोस्तों एक रूल लागू कर दिया था, ये बोला था कि कोई भी मुस्लिम कंट्री से हमारे देश में नहीं आएगा, सीधे ही मतलब छक्का मतलब आते पहले। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है, यूएस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसमें ये बोला है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है ना वो रिलीजन के नाम पे ट्रैवल बैन नहीं लगाएगा। अरे भाई, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए सारे मुस्लिम कंट्रीज भी एक जैसे नहीं होते हैं। कभी अगर आप दुबई उबई या यूएई जाओगे तो आपको ये गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक कंट्री, जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते ना, वैसा दुबई बना रखा है। तो आप सोचिए कैसा होगा दुबई, किस तरीके से वहां पे लोग काम कर रहे होंगे, कैसा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोला है कि भाई रिलीजन बेस्ड हम ट्रैवल बैन नहीं करेंगे, इट इज इनफॉर्मली कॉल्ड नो बैन एक्ट, तो इसको नो बैन एक्ट है जो कि नाम दिया गया है। ओके गाइस, तो पहला कॉन्ट्रोवर्शियल एक मुस्लिम बैन एक्ट है जो कि ट्रंप के द्वारा पास किया गया, बहुत ही खतरनाक था ना यार ट्रंप मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, जो मन चाहे वो लगा दो, मतलब खुद के एजेंडाज के ऊपर पूरा देश चला दिया मतलब बंदे ने यार। चलिए, तो ये नो बैन एक्ट इज अ नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट एक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि अभी अगर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा ना, तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जो अपने स्टेट डिपार्टमेंट है, दोनों को जो है रिपोर्ट बना के कांग्रेस को देनी पड़ेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि बैन लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है। ओके गाइज, तो इस तरीके से होगा, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की और स्टेट डिपार्टमेंट की, उसके बाद में ही अप्रूवल है जो कि हो पाएगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। 2017 के अंदर ट्रंप के द्वारा दोस्तों बैन है जो कि लगा दिया गया था, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको दो बार डाउन भी कर दिया, लेकिन तीसरी बार उसको सुप्रीम कोर्ट के जज चेंज हो गए और वहां पर भी बिल पास हो गया। ओके, तो यहाँ पे यमन, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, उसके इरिटीरिया, म्यांमार, किर्गिस्तान, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया, इन सब के ऊपर बैन है जो कि लगाया था। आगे बात करते हैं, नेशनल सर्विस मानेंगे, यानी कि कुल मिला के हर एक जनता को हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिले, हर एक को अच्छी फैसिलिटी मिले, बहुत ही हाई क्लास 5-स्टार फैसिलिटी मिले, और ये एक नेशनल सर्विस के तौर पे इन्होंने उसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है दोस्तों। ठीक है गाइस, वहां पे 20 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड जो है वो डिवाइडेड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड के अंदर खुद का बजट होता है, समझ गए, और अब उनको सबको जो है एक बॉडी से रिप्लेस किया जा रहा है जिसका नाम है हेल्थ न्यूजीलैंड, और इसके तहत दोस्तों सभी को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम है जो कि अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हेल्थ सिस्टम जो न्यूजीलैंड का, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी के द्वारा चलता है, हालांकि पेशेंट को जो है एक पोर्शन जो कॉस्ट है ना हेल्थ सर्विसेज में देनी पड़ती है, 1/3 जो न्यूजीलैंड है वो खुद जो है वो पैसे देके हेल्थ के बेनिफिट है जो कि लेना पसंद करते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे चीजें बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की, अभी रिसेंटली दोस्तों एक रिपोर्ट आई है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, USCIRF इसको कहते हैं, उन्होंने सेकंड ईयर दोस्तों भारत को जो है वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर लिस्ट में रखा है। दूसरे साल ऐसा हुआ है कि हम लोग वर्स्ट वायलेशन है जो कि
रिलीजन फ्रीडम का करते हुए जो है वो पाए गए और इन्होंने उस लिस्ट के अंदर इंडिया को डाल दिया है। समझ गए मेरी बात। इससे पहले भी 2020 के अंदर ह्यूमन राइट रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी दोस्तों इस तरीके के इश्यूज को हाईलाइट किया गया था। अब देखिए ये जो यूएस सीआईआरएफ क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट यूएस फेडरल गवर्नमेंट है, बायपार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है, जो कि क्या करता है, यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर बिलीव को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक एडवाइजरी बॉडी है, यूएस की जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, उसको एक बॉडी है जो कि एडवाइस करती है कि भाई कौन सा देश दुनिया में रिलीजन को लेकर बिल्कुल भी फ्रीडम अवेलेबल नहीं करवा रहा है ना, उस चीज को लेकर बताता है। तो इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर दोस्तों 2020 के अंदर 26 कंट्रीज जो है उसको इंक्लूड किया गया है और उनकी रिकमेंडेशन है जो कि दी गई है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो इंडियन मीडिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, कई सारे जो है वीडियोस एक्टिव हो जाते हैं और वो इनकी बुराई निकालने में चालू कर देते हैं कि देखो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा ना कभी, तो वो गलत जो है वो निकाल के ये बताते हैं कि देखो ये बॉडी तो फर्जी है ना, इस बॉडी का कोई औचित्य नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो ये रियलिटी नहीं है। तो इस तरीके से जो है दूसरा तरीका निकाल के बदनाम करके जो है अपने कंट्री को जो है वो बचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि होना ही चाहिए कि हमें इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और उसके ऊपर बेहतर काम करके दिखाना चाहिए ताकि अगले साल ऐसा ना हो वापस से। तो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एक डेजिग्नेशन है जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा दी जाती है अगर कोई भी वायलेशन करता है रिलीजन फ्रीडम अंडर इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 के द्वारा। स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री बनाई जाती है जो कि इन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर रहे होते हैं। समझ गए। अब इनका ये कहना है कि इन्होंने जो रिपोर्ट के अंदर जो चीजों को इंक्लूड किया है वो क्या क्या इंक्लूड किया है, एक तो CAA आपको मालूम ही है, दिल्ली रायट्स के अंदर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई है आपको मालूम है, वन साइडेड पूरा का पूरा केस चला है, NRC वाला मुद्दा, एंटी कन्वर्जन लॉज, हर एक राज्य ने कन्वर्जन लॉ ला दिए अपने अपने। इसके अलावा जिस तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन और इंसाइटमेंट लोग प्रोवोक कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो, और साथ में यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हालात है, तो इन सबको इंक्लूड करते हुए ये यहाँ पे रिपोर्ट है जो कि दी गई है। आगे बात करते हैं जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। आज यार दो तीन रिपोर्ट आई है, दो तीन रिपोर्ट के अंदर ही बहुत बुरा किया है, मतलब बहुत बुराई करी है इंडिया की। अब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन करेंगे, मतलब जो करंट अफेयर है वो तो है। अब देखो एक और रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की। ये जो मुद्दे होते हैं वो सोशल जस्टिस के होते हैं। अगर आप, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि सर ये पेपर तो पेपर में सवाल ही नहीं आएगा, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं होता। एक सोशल जस्टिस करके आपका एक पेपर ठीक है होता है, एक टॉप एक ना सब्जेक्ट होता है, उसके पार्ट होते हैं ये सब। तो अगर आप कोई PCS या UPSC दे रहे हो तो आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो भी आपका काम का पार्ट होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बताया गया यूनिसेफ के द्वारा कि हमारे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं हमारे जो टीवी के ऊपर उसके अंदर बहुत ज्यादा जेंडर बायसनेस दिखाई जाती है ना। हमेशा गोरी गोरी लड़की दिखाई जाएगी, वो तो आपने देखा ही होगा, हमेशा स्लिम ट्रिम लड़की दिखाई जाएगी। कभी भी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना एक लड़की ने एक लड़के को केस कर दिया और ये बोला कि बहुत दिन से मेरा पीछा कर रहा है, बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब कोई भारतीय अपना कोई लड़का स्टूडेंट गया होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब हमारे यहाँ पे तो आपको मालूम ही है हर जगह यही सिखाया जाता है लड़की के 10 बार पीछे पड़ोगे तो क्या पता वो हाँ कर दे। भाई ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में भी यही पैतरा जो है वो अपना लिया। तो उस लड़की ने केस कर दिया। अब केस कर दिया तो उसको वकील मिला कोई भारतीय, इंडियन लड़का तो इंडियन वकील ही पकड़ेगा। तो इंडियन वकील ने उसको बरी करवा दिया। कैसे बरी करवाया, समझिएगा सुनिएगा। जज के सामने उस इंडियन वकील ने ये दिखा दिया कि जहां से ये लड़का आता है, जिस कल्चर से आता है, जिस जगह से आता है, यानी कि हमारा कंट्री इंडिया, वहां पे ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है कि मूवीज के अंदर सीरियल में हर जगह ये दिखाया जाता है कि लड़की के ना का मतलब तो हाँ होता है। अरे गाना सुना होगा ना, इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें लड़का पीछे पड़ता रहता है लड़की के, एंड ऑफ द डे लड़की को हार माननी पड़ती है, वो हाँ बोल देती है। तो जब जज को 10 मूवीज का ऐसा दिखाया गया वहां पे कि ये देखिए इंडियन सिनेमा में, इंडियन मूवीज में, सीरियल में ऐसा दिखाया जाता है और ऐसा रिजल्ट होता है, तो उसके बाद में जज जो है वो कन्विंस हो गया, बोला कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसको बरी करो और इसको सिखाओ कि ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो उसको लिटरली बरी कर दिया गया इस केस से,
कि ये जो आया है जहां से वो ऐसा ही देखते हुए आया है, तो उसका जो मेंटालिटी है वो इसी प्रकार की है। ये रियल केस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके, तो आपसे ओके। तो तो यहाँ पे यूनिसेफ ने भी ये बोला है कि एडवर्टाइजिंग जो इंडिया में होती है उसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो गर्ल्स का और वुमेन का, ओके, वो ग्लोबल, वो अलग तरीके से एक जेंडर स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है जो कि अपनाई जाती है, ओके गाइस। तो एक GDI करके एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जेंडर रिप्रेजेंटेशन मीडिया में ओके, कैसा होता है उसके बारे में बताया जाता है। देखिए अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स और वुमेन को बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो कि एडवर्टाइजिंग में दी जाती है, बहुत अच्छी बात है ओके। लेकिन मेजरली उनको ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स मिलते हैं, डोमेस्टिक के सामान बेचना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना ओके, अगर घर के अंदर किसी भी चीज की कोई देखभाल करनी है, कोई ध्यान रखना है, कोई पुरुष को की कोई सेवा करनी है, तो लड़कियों को दिखाया जाता है एडवर्टाइजिंग में। कभी भी जो है इक्वलेंट जो है स्टेटस नहीं रखा जाता कि भाई कोई पुरुष भी जो है वो ध्यान रख रहा है, काम कर रहा है। प्रॉब्लमेटिक क्या है दोस्तों यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ नॉर्म्स टू चिल्ड्रन ओके। यहाँ पे जो महिलाओं को रोल मॉडल के तौर पे दिखाने की कमी देखने को मिलती है, ज्यादातर उनको डोमेस्टिक वर्क में देखने को मिलता है ओके, पेड वर्कफोर्स के अंदर महिलाओं को कम दिखाया जाता है। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है, तो पुरुषों को जो है कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना वो ज्यादा दिखाते हैं डिसीजन मेकिंग ओके। फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे देखिए 7.3% जो है ज्यादा दिखाया गया, पूरा रिसर्च करके बताया गया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी बता दिया ऐसे बोल दिया। ये देखिए 4.9% जो है हाउस होल्ड डिसीजन महिलाओं के दिखाए जाते हैं। 2/3 जो महिलाओं के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं इंडिया के अंदर ओके, वो बहुत ही स्किन टोन उनका बहुत ही बढ़िया होता है स्किन जो है ना, और डिस्क्रिमिनेटरी नोशन जो है यहाँ पे स्किन को लेकर बाकी चीजों को लेकर दिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है, ये देखिए बहुत ही स्टनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दिखाए जाते हैं कंपैरेटिवली मेल के ओके। 5.9% महिलाएं बहुत ही अट्रैक्टिव, और पुरुषों की बात करें तो 0.6% ओके, बहुत ही थिन दिखाया जाएगा उनको। मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वैरायटी ऑफ बॉडी साइजेस दिखाते हैं, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट की बात करें तो कुल मिला के सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है जो कि सीरियस कंसिक्वेंसेज रियल वर्ल्ड में बच्चों को देखने को मिलते हैं ओके। इससे कई लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बॉडी हेट्रेट बढ़ती है, लोगों को शेम बढ़ती है खुद की बॉडी को लेकर। अगर कोई जनरली हेरिडिटी के तौर पर मोटा है बहुत, तो उसको अपनी बॉडी की तरफ हेट्रेट होने लगती है। अगर वो उसका कलर जो है वो साफ नहीं है, गोरा नहीं है, तो धीरे धीरे खुद ही उसको ये चीजें देख कर ही खुद के ऊपर शेम फील होने लगती है ओके। ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से ऐसे बहुत सारे कॉम्पैक्ट के प्रॉब्लम्स है जो कि आपको देखने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ओके। तो रिकमेंडेशन दी गई है इसके अंदर कि भाई गाइडलाइंस फॉलो करें, गर्ल्स को वुमेन को प्रमोट करें पॉजिटिव जेंडर नॉर्म्स के तौर पे, लीडरशिप के नॉर्म पे बॉडी एटीट्यूड दिखाइए, और एस्टैब्लिश करिए स्किन कलर गाइडलाइन को, कास्ट क्लास गाइडलाइन को ओके। ब्यूटी के टेम्पलेट दिखाने के बजाय जो है वो ये दिखाइए कि आप कैसे भी गर्ल कैसा भी बॉय हो, अपने काम से अपने नेचर से अपने लीडरशिप से जो है वो आगे बढ़ता है रेदर इन सब चीजों की वजह से। वो तो आपने देखा ही होगा एडवर्टीजमेंट, एक तरफ तो एक लड़की होती है फिर वो ऑटोमेटिकली कुछ लगाती है, फिर वो यामी गौतम से भी गोरी बन जाती है चलिए मतलब नील नितिन मुकेश जो है वो 2 मिनट में बन जाती है, वो ऐसा होता है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो आपको ये सब मालूम ही है ठीक है। हमने बहुत सारे स्कीम भी लॉन्च करी इस चीज को लेकर, बेटी बचाओ हो गया, सैग हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। जेंडर पैरिटी के अंदर हमने 54% यहाँ पे लड़कियां एनरोल थी हमारी एजुकेशन में, अभी वो 66% थी, यानी कि इंक्रीमेंट है जो कि हमने दिखाया है। हालांकि ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी में बात करें तो रैंकिंग हमारी 108 है जो कि बहुत ही खराब है ठीक है गाइज। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है, जो कि है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, COVID-19 पेंडेमिक के अंदर एक नया इनिशिएटिव जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया यूथ के द्वारा, जिसका नाम है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन ओके। ग्लोबल यूथ समिट है जो कि करवाया जा रहा है वर्चुअली 23 से 25 अप्रैल के अंदर, और इसमें दोस्तों यंग लोगों को बोला जा रहा है कि आप इसके अंदर COVID-19 के पेंडेमिक के अंदर जो इम्पैक्ट है उसको कम करने को लेकर काम करें। तो इसमें 14 से 30 साल तक के लोग हैं वो स्किल को लेकर, कॉन्टैक्ट को लेकर ओके, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि जैसे भी आगे बढ़ाया जा सके सोसाइटी को ओके गाइज। तो एक तरीके से यंग लोगों का मूवमेंट है ना, जो कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के अंदर चीजों को इम्प्रूव करने को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें UN फाउंडेशन भी है, WHO भी है, सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है ओके गाइज। इसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, सोशल सपोर्ट ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे अपने वाइफ फैसिलिटी फैमिली के जो कि स्माइल फॉर ऑल के अंदर इंक्लूडेड है,
तो स्माइल फॉर ऑल के अंदर भी यही होता है कि हम सब जो इतने भी यूथ है, सब लोग मिलकर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम लोग एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पोस्ट पेंडेमिक के अंदर चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोविड की वजह से ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस से स्कूल के अंदर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में करवाने वाले हैं। ओके, और कल रात, आज रात को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर आज रात को 10 बजे जो है एक इवेंट है जिसके अंदर अपन लोग एक स्माइल किट को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये स्माइल किट क्या है वो सब रात को पता लगेगा, रात को 10 बजे, तो ज्वाइन कर लेना, लाइव होगा रात को 10 बजे, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की। और आज दोस्तों पहली बार 2005 के अंदर यूट्यूब का पहला वीडियो है जो कि आया था, मालूम है आपको, पहली बार एक 18 सेकंड की क्लिप है जिसका नाम है मी एट द जू। ये को फाउंडर है जावेद करीम, उनके द्वारा सैन डियागो जू के अंदर डाली गई थी और 13 मिलियन व्यूज है जो कि 2014 के अंदर इसको देखने को मिले थे। मतलब आप सोचिए 2005 में पहला यूट्यूब का वीडियो, ओके, आज ही के दिन आया था मी एट द जू। सोचिए कितना बड़ा चेंज है जो कि यूट्यूब ने पूरी दुनिया में लेके आया है। यूट्यूब को गूगल ने खरीद लिया था फिर कुछ टाइम बाद में। 1988 के अंदर दोस्तों एनजीसी के अंदर ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पे फ्लाई करता हुआ फ्लाई किया गया। इसके अलावा एक ग्रीक ओलंपिक साइकिलिस्ट थे, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 115 किलोमीटर जो है वो साइकिल चलाई थी। इसके अलावा कोको कोला ने दोस्तों रिलीज किया न्यू कोक, जो कोक है ना वो 1985 में लॉन्च किया। और एड्स का जो वायरस है उसकी डिस्कवरी हुई 1984 के अंदर, फ्रेंच एक वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दोस्तों इसकी डिस्कवरी है जो कि करी और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आज के फन फैक्ट की बात करें तो डेजावू के बारे में बात करेंगे। कई बार ऐसा नहीं लगता कि हमको, कई बार ऐसा लगता है ना कि ये इवेंट तो हो चुका है, कई बार ऐसा इवेंट होता है ना तो हमें लगता है ये तो पहले हो चुका है, ये तो वापस से रिपीट हो रहा है, ऐसा होता है ना, जिसको अपन डेजावू कहते हैं। तो ये जो डेजावू है वो एक्चुअली में होता क्या है, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है। बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि कई बार जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये इवेंट तो पहले हो चुका है ना, ये तो वापस से हो रहा है। ओके, कई लोग तो पूर्व जन्म में चले जाते हैं ऐसे सोचते सोचते। ऐसा कुछ नहीं होता, अपने दिमाग जो है वो दो पार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन को जब शेयर करता है तो उसके अंदर लैग आता है, और जब वो लैग आता है तब दोनों साइड वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है और अपने को ऐसा लगता है कि ये इवेंट तो पहले हो चुका है। तो इसी को दोस्तों अपन लोग डेजावू कहते हैं। हालांकि 100% ये प्रूवन नहीं है, लेकिन यस, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके यही चीज़ें जो कि बताई गई, हमारा जो ब्रेन प्रोसेसिंग लैग है ना उसकी वजह से दोस्तों डेजावू है जो कि होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की घर बैठे तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, अनअकैडमी डाउनलोड करो, अनअकैडमी प्लस पे जाओ और वहां पे प्लस कोर्स ले लीजिए BHU10 रेफरल कोड लगा के, या BHU10 आपको 10% ऑफ है जो कि इसके अंदर मिलेगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने सारे टॉप एजुकेटर आपको उस एग्जाम की तैयारी करते हुए अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, चाहे फिर वो SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, PCS हो, डिफेंस हो, और SSC के अंदर मैं भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्लस कोर्स है जो कि अभी रिसेंटली लेके आया हूं। ओके, जहां पे आपको जो है सारे के सारे टॉप एजुकेटर सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे और मैं भी फाउंडेशन बैच में कंप्लीट GK पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ का आपको फ्री भी मिलता है, 2 साल का लेने पे 4 मंथ का। सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देख सकते हैं, सब कुछ आपको सारी क्लासेज यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, SSC के जितने भी एग्जाम है, चाहे आपका CHSL, CGL, MTS, GD, CPO, JEE टेस्ट भी दे सकते हैं। करना क्या है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, उसके बाद में यहाँ पे प्लस पे जाइए, SSC एग्जाम सेलेक्ट करके उसके बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने पर सेलेक्ट करिए, नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो BHU10 या BHU10 लगा दीजिएगा और यहाँ पे UPI से आप पर मंथ के अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हैं जो कि 450 रुपये पर मंथ है। चलिए आगे देखते हैं आज का अपना पहला सवाल, कौन से थर्ड म्यूटेंट को दोस्तों क्या नाम दिया गया है, ट्रिपल म्यूटेंट को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। थीम क्या है वर्ल्ड अर्थ डे 2021 की। न्यूजीलैंड स्वास्थ्य प्रणाली कितने जिला स्वास्थ्य बोर्ड में विभाजित है। वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं। सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड की लागत कितनी होगी। अभी रिसेंटली दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि जो प्राइसेस होगी वो सेम होगी स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। आपको मालूम है सेंटर गवर्नमेंट को 150 रुपये में दे रहे थे, प्राइवेट को 400 रुपये में, तो अभी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को 400 में, तो काफी क्रिटिज्म हुआ, तो SSI ने बोल दिया कि हम लोग प्राइसेस स्टेट और सेंटर के लिए सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।